जमींदार के बालक है, हल्के में ले रहे हो क्या? 60% सब अच्छे होंगे, सब अच्छे होंगे। हेलो एवरीवन, तो भाई टाइटल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का वीडियो अपन किसके ऊपर बना रहे हैं और अभी हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं दिखाने वाला हूँ आज हमारे खेत कितने हैं और कितनी हमारी जमीन है और उसकी लगभग कितनी वैल्यू होगी और जमीन कितनी है कि आप जहां तक आप नजर देखोगे ना वहां तक आपको हमारे खेत ही खेत दिखेंगे। एक बार आपको विजिट करवाते हैं हमारे खेत की तरफ और बहुत अच्छी फसल भी है अभी उस टाइम पे, तो बहुत ही अच्छा व्यू आने वाला है। और इतनी सारी गायें भी हमारे रास्ते में आई हुई है। हेलो, अब थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, दिखाओ इस कच्चे के रास्ते पे। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी के लिए बहुत पतला रास्ता है भाई। अगर पंचर जो हो गई ना तो यूं समझ लो कि भाई आज तो हमारी हालत खराब होनी है इस उमस के अंदर, इतनी खतरनाक गर्मी के अंदर। भाई खतरनाक लग गए यार फाटक बंद करते हुए। चलो आ गए हम, पार्क कर दिए गाड़ी को और अब हम जाएंगे इस तरफ। मौसम से जोरदार लगी यार। तो भाई अब हम जा रहे हैं खेत में और यहाँ से मतलब यहाँ से आधा किलोमीटर दूर वहीं से हमारे खेत स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन हम यहाँ थोड़ा बीच में हमारा रास्ता है अंदर जाने का। इस साइड में भी हमारे खेत हैं और इस साइड में भी हमारे खेत हैं। ठीक है, अगर कभी मौका मिला इस सारे व्यू को ड्रोन से बताने का तो आपको जरूर एक ड्रोन का व्यू देंगे फिर कभी, आज हम लेके नहीं आए हैं। तो चले एक बार वो भी बता दई, एक बार जोर से बोल। तो भाई देख रहे हो चारों तरफ हरियाली और अभी तो कुछ नहीं भाई, सिर्फ आपको इस एक जगह से सारे खेत नहीं दिखने वाले। और मुझे नहीं लगता कि अगर हम इस तरह पैदल चलते रहेंगे मैं आपको सारे खेत हमारे बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं घुमाएं और कौन कौन सी फसल हो रही है, कैसी हो रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये पूरी मुरझा रही है और जिस तरह की यार लोग किसानों के ऊपर देखते हो इसीलिए वो लोग आत्महत्या करते हैं, बिकॉज उनकी फसल इस तरह उनका चलता रहता है कि यार कभी बारिश नहीं आती है, कभी ज़्यादा बारिश आ जाती है, कभी बिल्कुल भी नहीं आती है, तो इस तरह उनकी फसलें खराब हो जाती है, क्या हो जाता है, तो इसीलिए आज तक हमारे किसान पीछे हैं और यही बड़ा सबसे बड़ा रीज़न है। तो गवर्नमेंट को भी इसके लिए कुछ करना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी की हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी की गवर्नमेंट हो। ओके, तो अभी अपन इस पे ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे और अब हम दिखाते हैं हमारे सारे खेत। ओके, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी एक साथ। ठीक है, तो चलते हैं और आगे देखो यहाँ पे एक हमारा पर्सनल कुआ भी है। ठीक है, चलो। इसके मौसम में पानी भरा है इसके अंदर, लेकिन ये पानी फसलों में नहीं दिया जा सकता। ओके, इससे खेत की जो जमीन है उसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो जाती है इसीलिए। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ हम एक खेत में आए भाई, उसी में पसीना हो गया। ओके, तो आगे तक चलेंगे या फिर इसके ऊपर यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है, उस कमरे के ऊपर आपको खड़े होकर दिखाएंगे कि इसकी लिमिट हमारे खेतों की लिमिट कहाँ तक है। ठीक है, हाँ, लेकिन इतना मैं बता देता हूँ कि खेतों की लिमिट उतनी है ना भाई जितनी आपकी आँखों की कैपेसिटी है ना, जहाँ तक आप देख सकते हो। करते थे हमारे मम्मी पापा हमें यहाँ डेली सुबह 7 बजे यहाँ लेके आ जाते थे और 5 बजे उठा देते और 6 बजे तो खाना भी खिला देते थे, और यहाँ खाना खिलाते ही डायरेक्ट खेत पे काम करना, सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती भाई। मैं अपने मम्मी पापा को थैंक्स बोलना चाहूँगा, इतना थैंक्स कि मैं उनका, पहली बात तो मैं उनको कभी कर्ज नहीं उतार सकता, वो इसीलिए कि उन्होंने हमें मेहनत करना सिखाया।
जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा होती है मेहनत, ठीक है। और ये उन्होंने हमें करना सिखाया, उसे सहना सिखाया, तो उसी की बदौलत आज हम जो भी हैं उन्हीं की वजह से हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्ते से हैं। तो अब दिखाते हैं उन्हीं की मेहनत और हमारे दादा की मेहनत से जो बनाए हुए ये सारे खेत हैं वो सब। आओ, यहाँ भाई जानवर भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम पहले इतना बड़ा सांप देखा गया था, कम से कम 10 फीट से भी ऊपर लंबा, लेकिन और उसकी मोटाई भी इतनी थी शायद, है ना। इतना बड़ा सांप रहता है यहाँ पे और वो भी बिल्कुल ब्लैक, तो हमें संभल के चलने की ज़रूरत है, यहाँ ध्यान रखना है, बिकॉज कोई भी नहीं है भाई यहाँ पे, पूरा शांत माहौल है, जंगल की तरह है। चलो भाई संभल के चलने की ज़रूरत बहुत है भाई, ध्यान रखना ना। बचपन में ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे थे तब आराम से भाग के भी चढ़ जाते थे, लेकिन आज थोड़ा बैक चौड़ा हो गया तो बड़ी मुश्किल से चढ़ना पड़ रहा है, लेकिन बिल्कुल इम्पॉसिबल भी नहीं है। और हम आ गए हैं इसके ऊपर, कहीं यार ये टूट ना जाए रूम, बिकॉज ये 50 साल पुराना कमरा है, ठीक है, और ये हमारे दादाजी ने बनवाया था। ओहो, ये जो मिड पॉइंट है, हम पूरी 250 बीघा के बीच में खड़े हैं, जो कि हमारे दादाजी की प्रॉपर्टी है। और आजकल लोग ट्रेंडिंग चल रहा है ना कि यार मेरे दादाजी ने वो ज़मीन बेच दी, मेरी दादी ने वो ज़मीन बेच दी, लेकिन हमारे दादाजी ने ये ज़मीन नहीं बेची थी और आज हम इसके बीच में खड़े हैं। और आपको पता ही है, मैंने बता दिया, इसकी वैल्यूएशन लगभग 100 करोड़ से भी ऊपर है, तो आप देख सकते हैं भाई, ओके। और लेकिन ये सिर्फ एक पॉइंट है 250 बीघा का, और उसके बाद एक अलग रोड पर 40-50 बीघा एक साथ हैं, 20-25 एक साथ है, वो अलग मैटर है, लेकिन हम यहाँ आए हैं तो यहाँ की बात करेंगे। भाई कहीं गिर गया तो फट नहीं जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा गिरते ही, ध्यान से आना रे भाई, आप पैर रख दे नीचे तो आराम से नीचे आ जाएगा। तो भाई हालत ख़राब हो गई थी यार, इतनी तो एक तो गर्मी और इतनी उमस, जब गाड़ी में आया ना तब ऐसी चला तब जाके सुकून आया कसम से यार। तो सोचो यार किसान लोग कितनी मेहनत करते हैं, और ये मेहनत हमने पहले भी करी हुई है, जब हम बचपन में बहुत छोटे थे हमने बहुत मेहनत की थी इन खेतों के अंदर, उसी की बदौलत आज हम यहाँ हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस बारे में, तो भाई मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस मेहनत की वजह से आज हम उस कामयाबी पर हैं। अरे भाई वक्त सिर्फ मेहनत से बदला जा सकता है, ओके, जब किस्मत साथ नहीं दे रही होती ना तो मेहनत का हाथ पकड़ लो, ये मेहनत आपको कभी नहीं छोड़ेगी अगर आपने मेहनत को कभी नहीं छोड़ा तो, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो और पैसा बनाओ, दोस्त नहीं, ठीक है। तो अभी और मजा आ जाता है भाई जब ऐसा व्यू देखने को मिलता है, दिल को सुकून मिलता है, ओके। तो भाई कमेंट जरूर करें आज का व्लॉग कैसा लगा और कैसी लगी, कैसे लगे हमारे खेत, ओके। तो लव यू ऑल, होप करता हूँ कि आप लोग कमेंट जो, हाँ कमेंट जरूर करें कि आप में से कौन कौन लोग खेत पे जाते हैं, ठीक है। लव यू ऑल, और आपके भाई को सपोर्ट ऐसे ही करते रहें, ठीक है, डन।